एक तरफ जहां रीवा वासियों को पिछले दो दिनों से पानी नसीब नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ परिषद के बैठक में नगर निगम के पार्षद और अधिकारी कर्मचारी बोतल बंद पानी पीते नजर आए। आधे से ज्यादा शहरी क्षेत्र में लोगों को पिछले दो दिनों से पानी नहीं मिल रहा है और लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इस तेज गर्मी के चलते उत्पन्न हुई पेयजल की समस्या से परेशान है। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा वार्ड वासियों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम आपको बता दें, आधे शहर की टंकियां न भर पाने के कारण निगम प्रशासन ने प्लांट से टंकी तक मुख्य सप्लाई लाइन बदलने का निर्णय लिया। इसी वजह से कुठुलिया व रानी तालाब फिल्टर प्लांट को शुक्रवार से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इनसे जुड़ी करीब 15 टंकियां नहीं भर पाई, जिससे शहरवासियों को काफी परेशानी हो रही है और यह समस्या कब तक रहेगी यह बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं और लगता है किसी को इसकी चिंता भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से परिषद की बैठक में नगर निगम के पार्षद और अधिकारी कर्मचारी बोतल बंद पानी पीते नजर आए और किसी ने भी इस बात की चिंता नहीं जताई कि उनके वार्डवासी दो दिनों से पानी को तरस रहे हैं।